धीरे 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 खत्म हो जाएगा डायनासोर की तरह सर। इलेक्ट्रिक चलेगी, पेट्रोल ही चलेगा सर। पीछे की तरफ वोकल फॉर लोकल का टैग लगते हुए वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर द रियल। और आज हम मैं एक स्पेशल कार के साथ जो टाटा की ईवी सेगमेंट में है, टाटा टाइगोर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। टाटा टाइगोर ईवी के साथ में आप इसका वॉक अराउंड देखिए पहले। देखने में बिल्कुल सिमिलर अपनी पेट्रोल वर्जन की तरह ही लगती है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये मोटर और बैटरी इस पर रन करती है। तो अब मैं इसका आपको हुड खोल कर दिखाता हूँ इसके इंजन में क्या है। ये इसका टोटल इंजन, ये मतलब इंजन, ये बेसिकली ये मोटर है ये। अब इसकी BHP स्पेसिफिकेशन अभी मेरे को एक बार चेक करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी बैटरी पूरी नीचे चैसिस पर रहती है और ये वाली बैटरी जो अपने नॉर्मल फंक्शन करती है गाड़ी में उस चीज़ के लिए है। बूट स्पेस देख सकते हैं, नीचे चैसिस होने की वजह से इन्होंने स्टपनी यहाँ साइड में सेट करी है। और मतलब स्पेस मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखिए, सबसे मतलब छोटा साइज़ है ये ब्रीफकेस का, तो इसके ऊपर हार्डली इसी साइज के मतलब 3 या 4 तक आ जाएंगे अगर मैं सीधा लगाऊं तो ये है। अच्छा, ये कि ये चीज़ बढ़िया है कि इसमें ये इन्होंने यहाँ पे भी बैक में भी इन्होंने शॉकर दे रखे हैं, तो ये सही है क्योंकि जनरली गाड़ी में ऐसे रहता है तो जब हम बंद करते हैं तो यहाँ पे मतलब कोई लगेज नहीं होना चाहिए, तो एक ये चीज़ इसमें अच्छी है। पीछे की तरफ वोकल फॉर लोकल का टैग लगते हुए ये है इसका चार्जर पॉइंट। 2 चार्जर पॉइंट मुझे इसमें दिख रहे हैं। ये अलग किसके लिए, नॉर्मल वाला है या ये हाई पावर? ये हाई पावर वाला, ये हाई पावर वाला है जो कि कहते हैं कि 56 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। और ये आपका नॉर्मल जो घर में ये कह रहे हैं 1 से 1.5 घंटे में चार्ज करता है, और ये वो पूरी रात भर जो 8 से 9 घंटे में चार्ज करता है वो वैसे स्लो। और ये ग्रीन नंबर प्लेट जो है ये इंडिकेट करती है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि ग्रीन व्हीकल है, इसमें से नो एमिशन, इसलिए ये इसमें ग्रीन नंबर प्लेट से नोटिफाई होता है। तो ये सामने आप देख रहे हैं इसकी MID स्क्रीन, कॉर्नर में ये इसकी टोटल रेंज दिखा रही है, ये 209 किलोमीटर भी चल सकती है। इधर ऊपर इसकी बैटरी है कि 82% चार्ज है ये, और यहाँ आपके नॉर्मल स्पीड दिखाता है टोटल किलोमीटर ड्रिवन, और नीचे आपका टाइम, और साइड में आपका ये इंडिकेशन देता है न्यूट्रल में है, फॉरवर्ड में मतलब डी में है, रिवर्स में है। और ये इसका यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी नॉब है जिससे ये अपने मोड्स चेंज करती है। 4 मोड हैं, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव, R फॉर रिवर्स, और ये एक इसमें स्पीड मोड है जिसे लगा के मतलब ऐसा बता रहे हैं कि एवरेज इसके रेंज पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा पावर मोड के लिए याला यूज कर जाता है ऐसा मुझे बताया गया है। इसके यहाँ पे AC के कंट्रोल दे रखे हैं, और ये बाकी टेम्परेचर जिसमें आप यहाँ देखेंगे इसकी जो स्क्रीन है इसमें आपका टेम्परेचर, यहाँ से ऑटो मोड भी आप लगा सकते हैं कि इसकी, ये पहली बार देखा है मैंने कि आपके इंफोमेंट सिस्टम के अंदर मतलब इस टाइप वाले में नॉर्मल में ये पूरा टच है कि इसके अंदर ऐसे शो कर रहा है। वैसे जनरली बड़ी वाली स्क्रीन होती है जो उसके अंदर हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये यहाँ से लॉक अनलॉक होती है। और ये किस लिए है? ये भी लॉक चार्जिंग के, आप दिखाएगी गाड़ी आपकी चार्जिंग हो रही है गाड़ी। अच्छा, ये उसका है, ये बटन है, लेकिन ये नहीं आपको दिखाएगा सर। अच्छा, ओके, ये हमारा इंडिकेशन है जब चार्जिंग पे होती है तो ये लाइट अपनी ब्लिंक हो जाती है। और ये आप एक बार देख लीजिए, ये बीच में इसका स्टोरेज स्पेस, और ये अपना रिवर्स मोड लगते हुए, और ये S4 इसका स्पोर्ट मोड है एक तरीके से कि ये स्पोर्ट मोड है, ये इन्होंने दे रखा है, इसमें ऐड ऑन दे रखा है। तो यार इस गाड़ी में टोटल अगर मैं आपको ओवरऑल मतलब बताऊं क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये चार्जिंग टाइम अगर मैं मतलब ऑनलाइन देख रहा हूँ, नेट पे देख रहा हूँ, तो 3.6 आवर दे रखा है। आई थिंक वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से होगा, क्योंकि जो चला रहे हैं मैंने उनसे पता करा तो वो कह रहे हैं कि मतलब हाई वोल्टेज वाले जो होता है उसमें ये मोस्ट प्रोबेबली 50 मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और इसमें बैटरी कैपेसिटी है इसकी 24 किलोवाट पर आर, और मैक्स
पावर ये जनरेट करता है 73.75 bhp और मैक्स टॉर्क है इसका 114 nm और सीटिंग कैपेसिटी इसकी 5 है और इसकी रेंज अपनी 315 किलोमीटर की देती है। ये बूट स्पेस इसका 240 लीटर का है, ये इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन है। और बाकी और अभी मैं चलने में बताता हूँ ये कैसी लगती है। तो इसमें आपको मतलब बेसिक चीज़ें आपको नॉर्मल मॉडल से मिल जाती है, जैसे पावर स्टेयरिंग और आपका पावर विंडो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एयर कंडीशनर ऑटोमेटिक और एयर बैग दोनों तरफ मैंडेट तो हो ही गए हैं, वो मिल जाता है। और फ्रंट फॉग लैंप इसके अंदर आपको कोई अलॉय व्हील नहीं ऑफर करा जाता है, व्हील कैप इसके अंदर नॉर्मल अपने लगे हुए हैं। और ये आप स्टीरियो देखेंगे तो ये टच है, मतलब इसमें बटन नहीं दे रखे हैं इन्होंने। तो बेसिकली इस गाड़ी को लेके, ईवी को लेके मेरी बात हो रही थी अभी भैया से, तो ये बता रहे हैं कि वैसे हर जगह चार्जिंग स्टेशन अपने खुल गए हैं और यहाँ आसपास मतलब दिल्ली NCR के बाहर जाने में भी इशू नहीं होता। तो मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन करा उनसे कि सपोज हमें यहाँ से देहरादून जाना है या कहीं भी जाना है आसपास में, तो उस केस में आप मतलब कैसे डील करोगे। कह रहे तो देहरादून में इस जगह मतलब अपने इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग स्टेशन जो है इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखूं तो आपको ये दिल्ली टू देहरादून जाने में वो हाईवे बन रहा है तो 2 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन किलोमीटर तो उतना ही है ना, और ये आपकी 300 किलोमीटर के सपोज रेंज दे रही है। तो आप यहाँ से गए वहाँ जाके आपको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, 1 घंटा ये मिनिमम लेती है चार्ज होने में। अब सपोज आपसे आगे कोई आदमी पहले चार्जिंग स्टेशन पे खड़ा है तो 1 घंटा तो वो लेगा, उसका 1 घंटा आपके यानी कि 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गई। तो आपने 2 घंटे में आप देहरादून तो पहुंच गए, लेकिन 2 घंटे और एक्स्ट्रा आप इसमें चार्जिंग में लगाओगे तो आपका जर्नी टाइम कितना हो गया 4 घंटे का। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा भी मॉडिफाई होने में टाइम लगेगा कि इसकी रेंज और थोड़ी बेटर हो ताकि आदमी एक बार में अप डाउन ले सके, क्योंकि 315 कंपनी बोल रही है तो ये 250 किलोमीटर प्रैक्टिकली देती है, जो कि लाइफ टाइम के साथ जैसे 8 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर इसकी लाइफ होती है, टाइम के साथ इसकी बैटरी जो है जल्दी ड्रेन होने शुरू हो जाती है, सेम लाइक अपने मोबाइल। जो भी अब देखें तो 1.5 घंटा 2 घंटे चार्ज करने में लग भी जाता है, 1.5 घंटे जितनी देर आप नाश्ता कर रहे हैं लंच डिनर का उतनी देर चार्ज लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल आप कह रहे हो कि ड्राइविंग जो है इसकी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका काफी मतलब स्मूथ है, बहुत बढ़िया है सर, काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी से आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ एक तो ऑटोमेटिक होती है ये गाड़ी जी, 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 तो इसमें आपको मतलब ज्यादा थकावट नहीं होती जाम जी, में जी, जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है, ये जी तो ऑटोमेटिक गाड़ियों के फायदे हैं दोस्तों जी, जी। और बाकी आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि और क्या भाई खासियत है जो आप और गाड़ी नॉर्मल चलाते हो पेट्रोल डीजल की और इस गाड़ी में? एक्चुअली क्या है कि 1.5-2 घंटे हम चार्ज इसको कहीं लगा देते हैं कोई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि डीजल भी पेट्रोल भी इतना सारा महंगा है, तो 1.5-2 घंटे इंतजार भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम जैसे आदमी जितनी देर में कहीं होटल में लगा के अपना नाश्ता लंच डिनर कर रहे हैं उतनी देर चार्ज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई इशू नहीं है, चार्ज होती रहेगी सर। चलो तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस यानी इसका पॉजिटिव आ रहा है अपनी ईवी व्हीकलों का, तो आगे खैर फ्यूचर तो यही है, ये या हाइब्रिड दोनों चीज़ें, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो आई थिंक बंद ही कर रहे हैं, कुछ एक सर्कुलर आया था गवर्नमेंट का कि जो जहाँ पे जिस सिटी में 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1 या 2 मिलियन से ज़्यादा जो भी था, और वहाँ पे डीजल इंजन जो है ये लोग बंद कर देंगे, तो बेसिकली अब उनके पास ऑल्टरनेट सोर्स क्या बची है, पेट्रोल और CNG, अब थर्ड ऑप्शन है ये अपना EV, और फोर्थ ऑप्शन है हाइब्रिड जिसमें पेट्रोल और ईवी दोनों चलती है, वो रेंज मतलब काफ़ी ज़्यादा देती है, जैसे कि इन्होंने मारुति और टोयोटा ने जॉइंट वेंचर करके अब निकाली है ये हाई राइडर और अपना विटारा, तो उसका एवरेज काफ़ी अच्छा आ जाता है, मैंने सुना है कि एक फुल टैंक में 1700 किलोमीटर भी चलती है, 42 लीटर का उनका मतलब फुल टैंक है। अच्छा चंडीगढ़ पंजाब में भी लग गए? हाँ जी जी सर, पंजाब आप जाओ अम्बेला तरफ तो वहाँ 2-3 ढाबे मैंने देखा लग गए हैं, चालू हुआ कि लाइट तो चल रही थी सर,
लगते हैं तो चालू हो ही जाएंगे। जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ हम भी फिर भी लंच ने आधे घंटे घंटा तो हमारा लग ही जाता है ना सर। हाँ इतना तो लग जाता है सर। थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि आधा घंटा पता है एक घंटा तो उस पोजीशन पे है ना जब आपको वैकेंट मिले हो खाली जी, जी खाली सर। अभी एक्चुअली क्या है अभी ज्यादा कोई है नहीं अभी मतलब पहले अभी तो देर भी काफी सारी हो रही ना। अभी जब रश होगा तब क्या करेंगे कि अभी पता चला क्या चीज है। दो पावर स्टेशन है, दो गाड़ी ऑलरेडी लगी है, उनको लगेगा आधा घंटा सर। सर इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। जी सर जी सर। अदरवाइज तो बेस्ट बंद ही कर देंगे सर। डीजल तो धीरे 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 खत्म हो जाएगा डायनासोर की तरह सर। इलेक्ट्रिक चलेगी, पेट्रोल ही चलेगा सर। इसका बेसिकली फंडा बड़ा क्लियर है कि ये जो बाहर अपने चार्जिंग स्टेशन होते हैं ये अपने डीसी चार्जर होते हैं और अपनी बैटरी के अंदर डीसी करंट अपना स्टोर होता है। जैसे कि अपने घर में पहले इन्वर्टर होते थे तो इन्वर्टर का काम होता था कि नॉर्मल अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी करंट होता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करते थे। तो यही सेम फंडा इसमें है कि आप अगर फास्ट चार्जर लगाओगे वो डीसी का होता है तो डायरेक्टली आपकी जल्दी चार्ज होती है, एक रीज़न ये भी होता है। और जब अपने हम घर में चार्ज करते हैं वो एसी करंट होता है तो फर्स्ट ये कन्वर्ट करती है एसी टू डीसी, उसके बाद जाके अपने यहाँ पे सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टोर हो पाती है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो ईवी के लिए। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल ग्रो कीजिए, यूट्यूब की गाड़ी भी चल रही है, हमारी भी गाड़ी चलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।